नमस्कार, रीवा सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदिता मिश्रा हाजिर हूं आज की बड़ी खबर के साथ। NH-30 में भीषण सड़क हादसा, रीवा हाईवे में टायर फटने से बुलेरो पलटी, पिता पुत्र की मौत। प्रयागराज से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे सतना। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत निदुआ हाईवे में टायर फटने से एक बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पुलिस का दावा है कि दुर्घटना के तुरंत बाद सभी को गगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था, जहां मामूली घायलों को प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी थी। वहीं मंगलवार की दोपहर मृतक पिता पुत्र के शव को पीएम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द कर दी। इधर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर बुलेरो को जब्त करते हुए घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। तेज धमाके के साथ टायर फटा। गढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक ओंकार तिवारी ने बताया कि अस्थि विसर्जन कर सोमवार की शाम एक दर्जन लोग बुलेरो में सवार होकर प्रयागराज से सतना की ओर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही तेज रफ्तार बुलेरो NH-30 स्थित तेदुआ गांव पास पहुंची, तो तेज धमाके के साथ टायर फट गया। हादसे के बाद बुलेरो पलट गई। इसके बाद हाईवे के डिवाइडर से टकराती हुई घटना स्थल से 200 फीट दूर पहुंच गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। ऐसे में तुरंत स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना डायल 100 गढ़ पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। और नई खबर पाने के लिए बने रहे रीवा सिटी न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।